अरे नए लुक के साथ कुलदीप भाई का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू कैसे हो रोहित भाई, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने लुक चेंज कर लिया? बस मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे बैठा हो तो शायद मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा शेव किया जाए, तो मैंने आज पहला अपनी लाइफ का ब्लेड के साथ मैंने पहली बार ट्राई किया है, तो शायद इसके बाद अच्छे से और आएगी, तो ये सोच के मैंने किया है, शायद अच्छी लग रही होगी। अरे कमाल लग रही है, कमाल लग रही है। बताइए भाई, आप लोग बताइए, जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वो लोग बताइए, कुलदीप भाई का नया लुक कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और आज आपने बैकग्राउंड भी बिल्कुल सनी सा चुन रखा है। मतलब एक अच्छा सा एक विजुअल मिल रहा है, जैसे ही आप आए लाइव जुड़े तो एक अच्छा सा विजुअल मिला। थैंक यू सो मच। कैसे आप, फैमिली मैं में बहुत सब बढ़िया लोग हूँ, कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है। आप बताइए, मतलब मैं एक बात से शुरू करता हूँ कि मतलब दो हिडन टैलेंट छुप रखे थे इंडियन क्रिकेट टीम में। एक आप है, एक युजवेंद्र चहल है। उनके टिकटॉक के वीडियोस वो 4 मिलियन 5 मिलियन जा रहे हैं, और दुनिया तारीफ कर रही है, क्रिस गेल से लेके हर कोई तक उनकी तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ आप हैं, आपने जब पेंटिंग बनानी शुरू करी थी, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुलदीप भाई, मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतनी बढ़िया पेंटिंग बना देंगे। मतलब चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, जो आपने बनाया था जिसमें आपने वो पेड़ बना रखा है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, एक भी पत्ती नहीं है, पीछे आपने एक बैकड्रॉप दे रखा है जो कि डूबता हुआ सूरज है, मतलब ये कहाँ छुपा के रखा हुआ था आपने? मतलब कुछ बताइए इसके बारे में, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। पेंटिंग के एक नॉर्मल स्किल है, अगर अगर थोड़ा आप क्रिएटिव है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटी एज में था तो पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था। ये स्किल मेरी बचपन से अच्छी थी, क्योंकि पेंटिंग का बोलते हैं, शायद एक कहावत भी है कि लेफ्ट हैंडर की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं भी लेफ्टी हूं, तो मेरे से शायद सीधी जब लाइन मैं भी नहीं छो खींची जाती। अच्छा, तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो मैं काफी चीजें बनाता था, तो उसमें से एक मैंने एक जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक बुलेट बाइक बनाई थी, तो बुलेट के अरे वाह, प्रॉपर पार्ट्स वगैरह बनाए थे उन्होंने, तो प्रॉपर वो बाइक बहुत अच्छी लग रही थी, तो बहुत लोगों ने उसको बोला कि बहुत अच्छी है, तो मेरी मैम ने भी उसके लिए मुझे बहुत सराहा और उसके लिए मुझे A+ मिला था। फिर जब मैं अरे वाह। फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक सीनरी बनाई थी, और वो मैंने बहुत अच्छी बनाई थी मेरे स्टैंडर्ड से, कि मैंने बहुत अच्छी बनाई है, पर उसके लिए मुझे मैम ने B+ दिया। अच्छा, तो मैंने पूछा मैम से कि मैंने तो इसमें बहुत अच्छी बनाई, तो उन्होंने बोला कि जो लास्ट ईयर से था वो इस साल से वही है, सेम इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसके लिए B+ दिया है मैंने। अच्छा। तो ये उसके बाद पेंटिंग उसके बाद जैसे क्रिकेट स्टार्ट हुई तो पेंटिंग छूट गई, पर बीच बीच में मैं जब छोटा था तो पेंटिंग करता था। फिर अभी ऐसा टाइम, मुझे ऐसा लगता था कि अभी टाइम था मेरे पास, प्रॉपर टाइम था, कुछ करने को इतना था नहीं, तो मैंने पेंटिंग पे फिर मैंने स्टार्ट किया, तो दो चार पेंटिंग मैंने नॉर्मल स्टार्ट की थी। एक पहली पेंटिंग मैंने नॉर्मल बनाई थी, और सारी पेंटिंग मेरी वाटर कलर से बनाई है, कोई स्केच नहीं है या फिर बिल्कुल। ऑयल पेंट नहीं है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। वाटर कलर में थोड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, और एक मिस्टेक आपकी पेंटिंग खराब कर सकती है। तो मतलब एक बात ये भी बताइए, मतलब इसमें जो इतनी ज्यादा सफाई चाहिए होती है, वो मतलब आपके अंदर नेचुरल है? मतलब इस तरह से अगर मैं इसको बोलूं कि मतलब आपके अंदर वो हिडन टैलेंट था, जैसे हम कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा के साथ जोड़ा जाता है कि वो मिस्टर टैलेंटेड है, कभी भी उठकर सोकर उठकर भी आएंगे, बॉल खेलेंगे तो छक्का मार ही देंगे। सचिन के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि भाई टैलेंट है उनके अंदर, इनबिल्ट टैलेंट है, आपके अंदर भी ये टैलेंट है कि जब भी ब्रश उठाएंगे आप बना देंगे ये बिना किसी इधर उधर इधर उधर जाए हुए, या आपने खराब भी नहीं की पेंटिंग? नहीं नहीं पेंटिंग किसी चीज में टैलेंट, मुझे नहीं लगता किसी चीज में टैलेंट होता है, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और हर चीज में प्रैक्टिस है, और पेंटिंग में भी बहुत, स्टार्टिंग में भी बहुत प्रैक्टिस की मैंने। 3 4 दिन मैंने प्रॉपर पेंटिंग के स्केच बनाए थे कि हाँ, अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, इसीलिए मैंने पहला जो सीनरी बनाई थी बहुत सिंपल बनाई थी, कि मैं शायद मैं बना सकता हूँ कि नहीं। जैसे जैसे फिर मैं जैसे जैसे मैं बनाने लगा, फिर मैंने थोड़ा टफ टफ बनाना स्टार्ट किया, तो एकदम से ही मैंने वो टफ चीज नहीं बनाई, जो डिफिकल्ट थी वो मेरे लिए, वो मैंने स्टार्ट नहीं की, स्लोली स्लोली मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत टाइम लगा। एक पेंटिंग को बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। बहुत पेशेंस है इसका मतलब आप में, कमाल का। टाइम ही टाइम था तो मैंने सोचा कि बनाना है।
सही बात है। अच्छा कुलदीप भाई, मिस कितना कर रहे हैं क्रिकेट को, कितना मिस कर रहे हैं? अगर मैं बोलूं तो अभी आपको आईपीएल खेलता रहना चाहिए था, और कहीं ना कहीं होती केकेआर इस समय पे टॉप के चार में कहीं ना कहीं पहुंची भी होती, तो कितना मिस कर रहे हैं? आईपीएल डेफिनेटली क्रिकेट बहुत मिस कर रहे हैं, और क्रिकेटर्स मिस कर रहे हैं, फैंस बहुत मिस कर रहे हैं, और पर ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं, पर अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं हमारी कि ज़्यादा उस पे ध्यान दिया जाए। हमारी सिचुएशन कभी अभी बहुत अलग है, ये शायद मैंने कभी शायद किसी ने फेस नहीं किया हो, अभी हाल ही में तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने फेस किया हो ऐसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में जैसा कि चल रहा है। तो सिचुएशन बहुत अलग है, और उसपे तो ये तो ऐसा है नहीं कि एक दिन की बात है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो अभी आप लॉकडाउन है, उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया, और बहुत लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट, मुझे लगता है क्रिकेट होगी अभी, आज अभी जैसे ही हम इससे अच्छे निकल जाएंगे फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और खास तौर पे आपको मैं देख रहा था लगातार, जिस तरह से आप मैसेजेस भी दे रहे हैं अलग अलग जरियों से, क्योंकि आप लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स के साथ बातचीत हो, चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म्स हो, हर क्रिकेटर की तरफ से यही संदेश आ रहा है कि क्रिकेट इस वक्त पे प्रायोरिटी नहीं है, इस वक्त पे ह्यूमन लाइफ प्रायोरिटी है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, खासतौर पे ये जो जिस तरह की सिचुएशन है इस समय पे, इसको आप पूरी तरह से बैक करते हुए नजर आ रहे हैं आप भी, क्योंकि आप जैसे लोग अगर बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक वाइडर इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह, इस वक्त पे एक जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि मैसेज देना बहुत जरूरी है। शायद मैसेज आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गई है, तो आप शायद आपका मैसेज लोगों पे जल्दी पहुंचता है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, आपको मैसेज आप या फिर टीवी पे मैसेज देना पड़ता था, वहां पे अब आप देखते ही हैं, अब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो हमें बस जी उनके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, और जो भी हम लोगों से हो रहा है आसपास, जितना भी कर रहे हैं, जितने भी मदद कर सकते कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इस टाइम में सबको सबको जरूरत है। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आपको भी घर पे रहना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। ऑब्वियसली आपकी तरफ से ये बात आएगी तो निश्चित तौर पर मैं सारे फैंस से भी अपील करना चाहूंगा, कुलदीप भाई ने जो बात कही। अच्छा कुलदीप भाई, क्रिकेट की तरफ अगर हम आए थोड़ा सा, मतलब आपने बीते दिनों जो जो बातें कही अलग अलग जगहों पे, एक तो महेंद्र सिंह धोनी वाली बात बहुत बहुत पॉपुलर हो गई। मैं वो नहीं जानना चाह रहा कि जब वो आप पे गुस्सा हुए थे वैसे कोई इंसिडेंट बताओ, मैं जानना चाह रहा हूँ कभी उन्होंने आपको बहुत प्यार भी तो किया होगा, कभी बहुत दुलारा भी तो होगा, कभी आपको बहुत अप्रिशिएट भी तो किया होगा कि यार कुलदीप आज तेरी बॉल देख के मजा आ गया। जैसे जैसे मेरी जब आपसे अभी 1.5 महीना पहले मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और हमें शायद तब पता भी नहीं था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है दुनिया में, तो उस वक्त पे मैंने बोला था कि कुलदीप भाई मुझे वो जो बाबर आजम वाली बॉल की आपने मारी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो आपके करियर का मुझे, मतलब मेरे हिसाब से मुझे सबसे बड़ी गेंद लगती है वो, पॉइंट ऑफ जिस वक्त पे मैच फंसा हुआ था। तो उस वक्त पे अगर आप धोनी भाई का सेलिब्रेशन देखेंगे, मतलब वो यूं करके ग्लव्स बजाते हैं अपने, और ऐसा लगता है जैसे उनको पता चल गया है कि हम मैच जीत गए यहां से। तो मतलब कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जब आपको उन्होंने बोला हो कि यार कुलदीप आज मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, मतलब फेवरेट इंसिडेंट आपका जब उन्होंने आपकी तारीफ की हो। तारीफ बहुत कम करते भाई भाई वैसे, कभी तो की पर होती। वो बहुत बहुत बार उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में मैच खेल रहे थे, वहां पे दो ऐसे हुए थे केस, एक नहीं, एक एक मुझे याद है नागपुर में वनडे खेल रहे थे हम ऑस्ट्रेलिया के केस, जब जब हम शायद वो सीरीज हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उसके बाद दो मैच के बाद सब, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला था तो काफी प्लेयर ब्रेक पे चले गए थे, तो मोहाली और वो दिल्ली में हुए नागपुर थे में लगातार दो। वनडे था। हाँ, नागपुर में मैच था हमारा, तो मैक्सवेल बैटिंग करने आया था, मैक्सवेल स्पिनर्स पे वैसे ही अटैक करके खेलता है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसको इसको ज्यादा ज्यादा इसको मतलब हवा ज्यादा मत देना इसको, बॉल विकेट पे रखना और थोड़ा दूर रखना है, मतलब इसको स्लो ना अवे जाए फ्रॉम द बॉल, तो बॉडी थोड़ा, खेलिए। हाँ, थोड़ा नहीं, हाँ, थोड़ा पीछे रखना बॉल, और थोड़ा स्लो नहीं फेंकना, तेज फेंकना थोड़ा, इसको तेज वाला अंदर। तो दो चार बॉल मैंने डाली उस पे, तो वो उस पे दो तीन बॉल तो वो डिफेंस किया, उस पे वो स्ट्रगल कर रहा था, तो उसी चौथी या पांचवी बॉल पे फिर वो बोल्ड हो गया था,
तो माई भाई बहुत खुश कि डालो, तो उसमें उन्होंने उन्होंने बहुत बोला कि हाँ ऐसे ऐसे अगर ऐसी बातें सुनते रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कभी कभी बहुत ऐसे केसेस है, माई भाई ने बहुत ज्यादा तारीफ भी की है बॉलिंग को लेके। और एक जो वो मोमेंट जो सब लोग जानना चाहते हैं, और हमारे एक मित्र भी पूछ रहे हैं, सुनील पूछ रहे हैं कि उनका ये पूछना है कि वो जो हैट्रिक के दौरान आपने ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप किस्सा शेयर करना चाहें कि क्या। हैट्रिक के टाइम पे शायद, हाँ हैट्रिक के टाइम पे तो बॉल डाली दो। उसके बाद जब हैट्रिक की बॉल थी तो मैंने माई भाई से पूछा, तो मैंने माई से पूछा कि कौन सा बॉल उन्होंने डाल दे, तो उन्होंने ऐसे ही हाथ ग्लव से हाथ जो मना है डाल दे। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आपके वेरिएशन हो अगर, तो आप कंफ्यूज बहुत जल्दी होते कि आपको कौन सा बॉल डालना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गूगली डालना चाहिए, तो मैंने गूगली डाली वो। हेलो अगर आपको आवाज आ रही है तो हेलो ये हैट्रिक का जो सिलसिला आपके साथ जुड़ गया है, मतलब दो हैट्रिक, आप एक वाहिद खिलाड़ी हैं, दो हैट्रिक लेकिन वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिए, ये हैट्रिक लेना मतलब आवाज ब्रेक है। इसमें इंटरनेशनल हेलो क्रिकेट में ले चुके हैं, और में आप ले चुके हैं अंडर 19 हेलो वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। कुलदीप भाई आवाज आ रही है? हेलो कुलदीप वन भाई टू आवाज थ्री आ रही है चेक। आपको? हाँ हाँ बिल्कुल कुलदीप बिल्कुल भाई मैं हैट्रिक को लेकर पूछ रहा था कि चलिए। हैट्रिक से आपका क्या है, ये रिश्ता है आपका हैट्रिक से, दो इंटरनेशनल हैट्रिक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हैट्रिक, ये एक आदत होती है या तरीका होता है, मतलब ये क्या है हैट्रिक? मतलब आप उस एलीट ग्रुप में जहां पे वसीम अकरम का नाम है, ट्रेंट बोल्ट का नाम है, चामिंडा वास हो गए, मतलब ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके नाम मोर देन सिंगल हैट्रिक है, तो ये कुछ बता इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं अरे मैं भी एलीट एलीट में ही आता हूँ, और क्या बस नहीं मैं तो किसी आपका नाम जोड़कर ही कह रहा हूं, मैं तो आपका नाम जोड़कर ही कह रहा हूं कि अब आप उस लिस्ट में आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैट्रिक कभी प्लान नहीं करते हैं। शायद हो जाती है हैट्रिक, शायद से सेकंड जो हैट्रिक थी मुझे याद है कि वाइजैक में मैच था हमारा, तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ अच्छा होगा आज मैच में। तो मैंने अपने बताया था कि मम्मी को पहले, क्योंकि मम्मी कभी कभी मेरी बात बहुत मानती है कि जब भी ये बोलता है तो बातें सच भी होती हैं। तो मैंने उस मैच में मैंने फील किया कि शायद कुछ अच्छा होगा मैच में, कुछ बड़ा होगा। तो वो हैट्रिक मुझे फील हुई थी, वो हैट्रिक मुझे याद है कि जब मैं बॉलिंग करने गया हूँ ग्राउंड पे, तो मुझे आज ऐसा मुझे फील आया अंदर से कि मैं आज हैट्रिक लूंगा। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे बैट्समैन को आउट करूंगा, ये मेरा प्लान है, पर थोड़ा बैट्समैन चेंज हो गए थे हैट्रिक में, अदरवाइज कैसी हैट्रिक तो होती हो, हैट्रिक कुछ थी थोड़ा सा वो। बताएंगे आप, कैसी होती हो तो फीलिंग, कैसी होती है वो फीलिंग, मतलब क्या लग रहा था उस दिन कि जहां मैं मारूंगा नहीं बॉल वहीं नो से बस विकेट मिल जाएगा? मुझे नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आज मेरी हैट्रिक होगी। फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं यार इतना आसान नहीं है हैट्रिक, बॉलिंग फोकस करना है, अच्छी जगह बॉल डालनी है, क्योंकि ऐसे दिमाग बहुत, आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको बहुत चीज चलती रहती हैं। तो मेरे दिमाग में था कि हैट्रिक आएगी अभी, तो मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं यार अभी बॉलिंग अच्छी करनी है, अभी वो अच्छा खेल रहे हैं। तो जब एक एक दो आउट हुए उसके बाद प्लान चेंज हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा जब जब दूसरा विकेट मैंने लिया होल्डर को, तीसरे में मुझे पता था मैं आउट कर लूंगा, हैट्रिक हो जाएगी मेरी, मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं तीसरे में आउट कर दूंगा उसको। मैंने उसके लिए मैंने क्या दो गली बात है, लगाई थी, मुझे पता था कि मैं वहां से मैं गुगली फेंकूंगा, अगर विकेट पे फेंकूंगा बीट हो गया तो बोल्ड हो जाएगा, या तो एज लगेगा तो स्लिप पे जाएगा। तो ये मेरा प्लान था हैट्रिक के लिए। मतलब आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि कुलदीप यादव को दूसरी हैट्रिक लेने से पहले पता था कि वो हैट्रिक लेने वाले हैं। नहीं ऐसा नहीं था, अच्छा ऐसा आपकी कोई मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, पर
कभी कभी फील होता है कि नहीं यार, आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो मैच में, पर हैट्रिक ऐसा सोच के कभी नहीं होती हैट्रिक। अच्छा थोड़ा सा केकेआर के बारे में बात करते हैं। केकेआर का मुझे आप बताइए कि आपने गौतम लाए और दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी में भी आप अब अगर इस साल आईपीएल होता है तो निश्चित तौर पर खेलेंगे। पतानी में क्या अलग लगता है आपको? मतलब गौतम गंभीर को आप हमेशा से बहुत हाईली रेट करते हैं एज अ कैप्टन, उनके कैप्टनसी में आपने बहुत ज्यादा खेला है और उस दौरान आपने बहुत ज्यादा खेला है, दोनों की कैप्टनसी को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है गौती भाई के साथ मैं काफी टाइम रहा हूँ और उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। जब मैं केकेआर में आया था तब मैं 18 साल का था, 18 और मुझे मेरे स्किल को बहुत बैक करते थे कि हाँ जो तेरी स्किल है इस पे ही मैं बैक करूंगा और इस पे ही तुझे कमाड़, और बहुत कॉन्फिडेंस वो देते थे बहुत। तो उन्होंने प्लेयर बनाया है उन्होंने। और डीके भाई में कोई वैसा कुछ चेंजेस नहीं है डीके भाई, क्योंकि कप्तानी का प्रेशर भी बहुत रहता है। अगर आप बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो तो बहुत प्रेशर रहता है, तो डीके भाई को थोड़ा सा हैंडल करने में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, अदरवाइज उन्होंने ऐसा कभी मुझे कभी नहीं लगा कि वो कप्तानी क्योंकि खराब की, क्योंकि कभी कभी हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, हम कभी कभी बहुत क्लोज मैच हारे, इसकी वजह से कप्तान को ब्लेम कर भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलैरिटी थोड़ी सी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि गौती भाई बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस में जब रहता था तो ज्यादा बॉलिंग करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौती भाई में थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए थोड़ा अलग अटैचमेंट थी। जो जो साफ तौर पे दिखती भी थी। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे मैंने आपसे इस बारे में बात भी की थी कि सिडनी टेस्ट याद आता है, मतलब कम का टेस्ट मैच रहा था आपका। टेस्ट मैच को लेकर कुलदीप यादव क्या सोचते हैं? कॉम्पिटिशन बहुत टफ है इस टीम में, तौर पर जब आपके सामने रविचंद्रन अश्विन भी हो, रविंद्र जडेजा भी हो और आप भी वहां पर, कई परफॉर्मेंसेस के बाद भी कई बार टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलती, उसमें विराट कोहली का साफ कहना है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस है, जहां पर जिसकी जगह बनेगी वहां पर उसको जगह मिलेगी। आप किस तरह से देखते हैं टेस्ट क्रिकेट का? बिल्कुल एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत मुश्किल है, या आपको लगता है कि आते 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 आ जाएगा? नहीं, कंपटीशन तो बहुत है। एक के 350 के ऊपर विकेट है, एक के भी 200 विकेट हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो कंपटीशन तो बहुत है, नो डाउट। बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में, तो मुझे मुझे टीम में आने के लिए मुझे और अच्छा परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, तो कंपटीशन में कोई कमी नहीं है। कंपटीशन प्रॉपर कंपटीशन है, अगर आपको खेलना है तो आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। तो ये अभी ये कल्चर है टीम का, इंडियन टीम का, वही स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया। हमारा टीम जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, तो जो भी खेल रहा है परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर जिसको मौका मिला परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बस अपने 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 मौके का इंतजार करते। जब भी मैं भी लास्ट मैच खेला था, मैंने भी 5 विकेट लिए थे, तो वही मेरा वही ऐसे सवाल तो था कि जब आप परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और फिर भी जब आपको टीम में रेगुलर जगह ना मिले, आप इरेगुलर बहुत ज्यादा हो जाए टेस्ट क्रिकेट में, तो ये चीज चोट पहुंचाती है या लगता है कि नहीं यार, और ज्यादा अभी अपने आप को पहना करने की जरूरत है, और ज्यादा होना है, और ज्यादा बेहतर होना है, ये चीज मोटिवेट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है? क्योंकि एक बॉलर से आप यही तो चाहते हो कि भाई 5 विकेट लेके दे दे, मुझे मैच जिता के दे दे, वो आपने किया, तो उसके बाद भी अगर आप टीम में ना आ पाए तो ये थोड़ा सा फिर डिमोटिवेटिंग हो जाता है। या विराट भाई काफी बात करते हैं, मैनेजमेंट काफी बात करता है कि नहीं मौका मिलेगा, इस तरह से रहता है? बिल्कुल काफी बैक करते हैं, नो डाउट। सपोर्ट स्टाफ कैप्टन का बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ज्यादा बैक करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी क्योंकि तीन स्पिनर हैं, तो कभी कभी कंडीशंस बहुत फर्क पड़ डालती हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए टीम सेलेक्ट होती है। और पर्सनली बात करें तो ऑफ कोर्स किसी भी कोई भी क्रिकेटर होगा, उसको वो भी तो चाहता है कि हर मैच खेले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मुझे टाइम और टीम के साथ रहने का और आशने का
ताकि जब भी मैं ग्राउंड पे तो कि आप जब आप पे प्रेशर, तो वो एक पॉजिटिव साइन में मैं लेता हूँ और हमेशा रेडी रहता हूँ जब भी मौका। टीम है, ये एक फैक्टर है जिसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो अपने हाथ खड़े करने हैं और परफॉर्म करना है, तो उस नजर से मुझे याद है जब लॉर्ड्स में टीम इंडिया हारी थी, और उसके बाद जब आप वापस आए थे, भारत आए थे, तो आपने 500-500 गेंदे डाली थी। मेरी उस समय आपके कोच कपिल सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अब कुलदीप कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया बेहतर प्रिपेयर होकर कैसे जाए। उसने पुरानी बातें सारी छोड़ दी हैं कि लॉर्ड्स में क्या हुआ या इंग्लैंड में क्या हुआ। आपने T20s में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, आप लगातार वहां पे भी विकेट ले रहे थे इंग्लैंड में, लेकिन उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ और उसके बाद फिर आपने जिस तरह से प्रिपरेशन की वो फिर ऑस्ट्रेलिया में दिखी, तो कहीं ना कहीं वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह का एटीट्यूड आप में चेंज आया, कि आपने वो चीज जो लॉर्ड्स में नहीं हो सकी सिडनी में करके दिखाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे बहुत, आज भी मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरह से लॉर्ड्स में वो गेम गया, जो मेरा टेस्ट मैच गया, वो मुझे बहुत अभी भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको वहाँ पे परफॉर्मेंस और अच्छा कर सकता था, और उसके बाद जो टेस्ट मैच बाकी थे शायद मैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करके टेस्ट सीरीज को भी मैं अच्छे शेप में कर सकता था। मुझे ऐसा बिलीव होता है, शायद मैं अपने प्रिपरेशन की बहुत कमी थी मेरे उस टाइम पे, शायद मैंने इतनी अपने आप को तैयार नहीं किया था, तो ये चीज मैं अपने किस कोच लिहाज से, उस से गेंद के लिहाज से हमेशा। कुलदीप भाई आप बात कर रहे हैं, ड्यूक्स का जो बॉल होता है उस लिहाज से आप बात कर रहे हैं, या वहां की जो कंडीशंस? क्योंकि मुझे याद है कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कंडीशन उस दिन ओवरहेड थी, क्यों नहीं एक और सीमर को खिला लिया जाता, स्पिनर को क्यों खिलाया गया, मतलब कंडीशन फेवरेबल नहीं थी उस दिन स्पिनर्स के, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी आप इस पर अगर ज्यादा रोशनी डालें। मुझे डेफिनेटली कंडीशंस थोड़ा सा अलग थी, पर कंडीशंस को कोई नहीं देखता। अगर आप स्किलफुल प्लेयर हैं, अगर आप स्किलफुल स्पिनर हैं, तो कोई भी कंडीशन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और तैयारी करके जाता और मैं रेड बॉल से और प्रैक्टिस करके जाता, तो मैं वो जो वेदर था उसमें भी मैं उनको आउट करता, तो मुझे उस चीज़ का हमेशा रहता है कि नहीं, कि मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन अपनी और अच्छे से की होती तो शायद मैं इंग्लैंड को वहां भी मैं 5 विकेट निकालता, तो ये मुझे अब हमेशा लगता है। और बस डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब ऑस्ट्रेलिया टूर में गया, उससे पहले मैंने काफी बॉलिंग करके गया था, अपनी प्रॉपर तैयारी करके गया था, वेस्ट कपिल इंडीज में सर अच्छा बता परफॉर्मेंस रहे थे कर, आप 5-5-6 गेंदे फेंकते। 500 बॉल तो नहीं, 500 बॉल दिन में नहीं, मैं कम से नहीं कम मतलब ढाई ढाई पंद ढाई ढाई सौ करके, ओवर द विकेट राउंड द विकेट। नहीं 500 बॉल तो 2 दिन 3 दिन मिला के हुआ होगा शायद से, पहले एक दिन के हिसाब से मैं डालता था आराम से 22-23 ओवर, इतना 23 ओवर तक 22-23 ओवर डालता था, 23 ओवर तो वो आराम से 120-125 बॉल डालता था पर डे के हिसाब से, और ज्यादा ही डालता होगा शायद, क्योंकि उस टाइम मुझे तो था कि शायद मुझे इम्प्रूव करना है, जी जी तो ये मैं सोचता था कि रेड बॉल पे वो मुझे कमांड चाहिए उसके लिए। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया ए खेलने आई थी, इंडिया टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैच खेलने आई थी, फिर बिल्कुल उसमें मैं खेला था, पहले टेस्ट मैच में मैंने विकेट लिए थे, जरूर 4 विकेट लिए थे दो दो करके, पर बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं, बॉल थोड़ा ऊपर जा रहा था, रेड बॉल यूज टू नहीं था। फिर जब नेक्स्ट मैच खेलने आया तो फिर वो रिदम बन गया था, फिर उसमें मैंने 5 और 3 आउट किए थे, तो फिर वहां से मैंने फिर टेस्ट मैच खेला वेस्ट इंडीज में, फिर आउट किए, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वहां से मेरा मोमेंटम मिला। फिर जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पे सपोर्ट स्टाफ का बहुत बड़ा रोल था बैक करने में, जिस तरह से वो प्लान करते थे बॉलिंग करने में, रवि सर और भरत अरुण सर, उनमें उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। फिर शेन वॉन थे वहां पे, तो मैं फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि शेन वॉन है वो तो साथ खैर में, आपके मतलब तो ड्रीम फिर मैन है शेन वॉन। तो मुझे लगता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके सामने जरूर परफॉर्मेंस करूंगा, तो वो मुझे था कि जब भी मैं खेलूं, और उस टाइम अपनी पूरी तैयारी कर रहा था जब भी, हालांकि इतना इजी 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 नहीं था वहाँ पे, कंडीशंस बहुत अलग थे, विकेट्स बहुत अलग थे, पर तैयारी अपनी बराबर कर रहा था, ताकि जब भी जब जब टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था तो अपने दिन के हिसाब से मैं 10-12-15 ओवर डालता था, ताकि जब मैं टेस्ट मैच खेलूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो
तो ये मेरा वहां का स्केड्यूल था पूरा। अच्छा एक चीज बताइए, जो लगातार एक सवाल चल रहा है और इस सवाल को लेकर मुझे मुझे पता है कि हर क्रिकेटर को इसका जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, MS धोनी के फ्यूचर को लेकर क्या, क्या 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 जानकारी है आपके पास, क्या जानकारी है मैं जानना चाहता हूँ। मतलब अभी कुछ दिनों पहले भज्जूपा ने कहा, हरभजन सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो नीली जर्सी में उन्हें वापस देखेंगे। रायना भाई कहते हैं धोनी भाई बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे, जो CSK का कैंप हुआ था बहुत कमाल की, हम लोगों ने भी देखा वीडियोस में बहुत कमाल का। अभी 2 दिन पहले मैं दीपक चाहर भाई से ये इंस्टाग्राम लाइव में बात कर रहा था, उन्होंने कहा उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि अभी वो एक मैच और खेलें, भले ही उसके बाद वो रिटायर लें, मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं, ये उन्होंने कहा मुझे। कुलदीप यादव क्या सोचते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव वर्ल्ड कप के मैच में भी थे, वर्ल्ड कप रहे आप उनके साथ, आप उनके साथ वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में रहे जो उन्होंने आखिरी मैच खेला रांची में, अब तक का जिसे हम कह रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के करियर को, अब यहां से आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ खेले, और सभी चाहते हैं कि माई भाई खेले, और ये उनका डिसीजन है, वो माई भाई को खेलना है। फिटनेस लेवल के हिसाब से प्रॉपर फिट है, अभी भी 2-3 साल तो आराम से खेल सकते हैं। अभी IPL में आप देखना है कैसे बॉलर की धुनाई करने वाले हैं, तो उसमें कोई चीज है नहीं। और डिपेंड करता है कि वो किस नजर से देखते हैं। एज ए क्रिकेटर मैं तो बहुत छोटा हूँ, और मैं तो हमेशा चाहूंगा खेलूँ, माई भाई हमेशा खेले और नहीं, लेकिन हमेशा आप उनकी जितने आगे वाली सीट साल। में बैठते हैं ना, आप उनकी बस में आगे वाली सीट में बैठते हैं, तो मुझे लगा क्या पता आपको कभी बोल दिया हो कि यार कुलदीप मेरा हो गया है बस, या अभी मैं और खेलना चाहता हूं। नहीं, कब माई भाई का तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि माई भाई क्या सोचते हैं, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि माई भाई खेले। अभी IPL खेल रहे हैं, तो फिर इंडियन इंडियन देखते हैं जिस तरह से फिटनेस है उनकी और जिस तरह बैटिंग करते हैं, कभी भी आराम से खेल सकते हैं। और जरूरत भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स को अगर थोड़ा आइडिया आ रहा है जब वो खेल। हेलो, चेक कि यार 50% काम तो वही कर देते हैं कि अब ऐसा डाल अब वैसा डाल, वो जो यूट्यूब पे भी देखते हैं कई उनकी कमेंट्रीज आती रहती हैं कि थोड़ा आगे खेला आगे बुला ले, सारी चीजें रहती है। तो आप हमेशा से कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का कंट्रीब्यूशन, वो युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी भी माना है कि 50% काम तो माई भाई करके दे देते हैं, उसको थोड़ा सा आप महेंद्र सिंह धोनी हेल्प करते हैं, मतलब जैसे हम लोग की कुलदीप थोड़ा आगे खिला थोड़ा पीछे डाल देता रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा मैं चाहूंगी अगर आप डिटेल में बताएं इस हेल्प को लेकर, महेंद्र सिंह धोनी के विकेटों के पीछे कर क्या हेल्प मिलती है। माय भाई कभी कभी ग्राउंड बाहर कभी प्लानिंग नहीं करते, जो भी कुछ भी बताना होगा वो हमेशा ग्राउंड के अंदर, जब मैं बॉलिंग करने आता हूँ या फिर जब गेम स्टार्ट हो जाता तभी बात करते हैं। वो बाहर कोई बात नहीं करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो बात करते हैं, और जो चीज़ आप सुनते हैं वही चीज़ें वो बोलते हैं। बहुत और बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, समझाते हैं, और वो हमेशा हमेशा मुझसे बोलते थे कि बॉल को स्पिन कराना है, बॉल को स्पिन कराना है। और बॉल ज़्यादा जितना स्पिन करेगा उतना ही डिफिकल्ट रहेगा, तो वो हमेशा मेरे कोच खड़े होकर बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें यही करना है, स्पिन कराना है बॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे कभी फील नहीं हुई, और बहुत बड़ा रोल रहा है, ना कि माही भाई का, विराट भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी सक्सेस में। चहल और मेरी सक्सेस में विराट भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बैक किया यंगस्टर को। जिस तरह हम टीम में आए थे, 2 लेग स्पिनर को खिलाना इतना इजी नहीं होता है, जिस तरह से उन्होंने बैक किया, सपोर्ट स्टाफ ने पूरी तरह से बैक किया, तो क्रेडिट पूरा उनको जाता है। और जिस तरह से परफॉर्मेंस साथ में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया, तो फिर वो बिलीव था उनका, और दोनों ने बहुत सपोर्ट किया जब भी हम लोग साथ खेले। तो कुलचा को दोबारा कब देख रहे हैं, फिर लोग पूछ रहे हैं कुलचा को दोबारा कब देख रहे हैं साथ में खेलते हुए, आखिरी मैच मुझे याद आता है शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट था वर्ल्ड कप में कुलचा का। कुलचा जल्दी खेलेंगे शायद से अगले साल, अब जब से स्टार्ट होगा तभी खेलेंगे। और क्रिकेट तब से है कुलचा अभी, खेल रहा कभी है पक्का। कभी कभी अभी सब लोग कुलचा खा रहे हैं, अभी मुझे लगता है अभी कुलचे ही खाने की जरूरत है।
चलो ये भी बढ़िया है कुलदीप भाई। बस जाते जाते मैं आपसे एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ आपके साथ, देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस में कितना फायर होता है और कितने रैपिड होते हैं। वो बहुत बहुत आसान से सवाल है, कोई ऐसा मतलब शिकन लेने वाली बात नहीं है। ओह तो बेस्ट विकेट फॉर इंडिया, बेस्ट विकेट फॉर इंडिया। बेस्ट विकेट फॉर इंडिया, फर्स्ट टेस्ट विकेट हाँ डेविड फॉर मी, वॉर्नर फर्स्ट, हाँ फॉर फर्स्ट यू। टेस्ट विकेट फॉर मी। अच्छा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसको आउट कर कर मिलता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किसको आउट कर कर होते हैं आप? चार ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, कोई पांचवा अगर आपको लगे कि नहीं यार इन चारों में कोई नहीं वो दूसरा पांचवा है तो आप कैसे? डेविड वार्नर, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स या स्टीव स्मिथ? डेविड वॉर्नर लेफ्ट कमॉन हैंडर कुलदीप भाई, है, इट्स अ रैपिड क्रिस फायर। गेल, एबी डिविलियर्स, मेरे नंबर वन पे एबी कौन है डिविलियर्स, एबी मोस्ट डिविलियर्स सेटिस्फेक्शन, एबी डिविलियर्स? 100%। अगर आप उनको आउट करते तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विकेट रहेगा। अच्छा, यूजी भाई ने कहा, यूजी भाई ने कहा है कि अगर क्रिकेट चेस होता और क्वीन क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है तो मेरी क्वीन इंडियन टीम में होती, कुलदीप मतलब कुलदीप यादव को उन्होंने अपना क्वीन बताया। ठीक है, आई एम सॉरी मैं इसे नहीं हाँ पुट कर पाया, आई एम रियली सॉरी। आपके हिसाब से क्योंकि क्वीन सबसे इंडियन टीम में, आपके लिए क्वीन का किरदार कौन होता? जो रेगुलर टीम है इंडिया की 11 है, युजवेंद्र चहल ने कहा है कुलदीप यादव होते, मेरी क्वीन तो कुलदीप यादव होते। तो मेरी भी क्वीन चहल है नहीं सिंपल ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज, आप युजवेंद्र चहल चलता फाइनल है और आंसर, फाइनल क्या 100% आंसर। यार। अब चलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, और हमेशा उसने छोटे भाई की तरह बिल्कुल, मुझे नो रखा डाउट, है, और हमेशा मुझे समझाता भी रहता है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि जो ग्राउंड के बाहर भी मुझसे काफी बातें करता रहता है। एक्चुअली मुझे कैसे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कभी कभी गुस्सा भी आता है तो वो चीज भी मना करता है, और बहुत सी चीजें हैं जिसपे वो मुझे टोकता रहता है कि ये चीज ना करो। और एक चीज और है, उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है जब मैं फोन बहुत यूज करता हूँ तो उसको भी बहुत गुस्सा, वो भी बहुत मना करता है। तो बस, और इसी से हमारी बॉन्डिंग है, और जिसकी वजह से अब हम खेलते हैं तो फिर वैसा ही हम चाहते हैं कि दोनों परफॉर्म करें। आप तो पबजी खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोन? हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। हेलो 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 हेलो, चलिए ये भाई आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी, हरोज भाई बोलिए। हेलो बॉलर हु इंस्पायर यू, करंट बॉलर हु इंस्पायर यू? बॉलर, और करेंट बॉलर, करेंट करेंटली हुज प्लेइंग, करेंटली हुज प्लेइंग और नॉट इंस्पायर यू? करेंट प्लेइंग बॉलर, करेंट हाँ हु इंस्पायर यू यार, ये प्लेइंग बॉलर बड़ा सही है यार, बढ़िया मजा आता है इसको देखने पे, कहीं का भी होता है, इंडिया ओवरसीज। बॉलर। पेसर, स्पिनर, कोई भी, मीडियम पेसर, कोई भी। करंटली तो नहीं, पर मैं मुझे एक ही बॉलर मुझे पसंद है, और शेन वॉन से बड़ा कोई मुझे कभी लगता नहीं कोई है। तो चलो लॉक लॉक कर दिया, उसे भी लॉक कर दिया। इडन गार्डन और केन पार्क? मेरे हिसाब से शेन वॉन 100%। इडन गार्डन और ग्रीन पार्क? ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। अरे मतलब वाह, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क मेरे इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेला अभी तक। अच्छा जिस वजह से ग्रीन पार्क पीछे है। अच्छा हाँ तो ग्रीन पार्क होम पेंटिंग ग्राउंड और है वैसे। पबजी, पेंटिंग पेंटिंग और पबजी? पेंटिंग कोई गेम थोड़ी है, पबजी गेम है तो नहीं, इट्स नॉट अबाउट।
पेंटिंग। मैं हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है भाई। कुलदीप भाई पेंटिंग या पब, मैं कह रहा हूँ कि दो, मैं नहीं कह रहा हूँ दोनों गेम है, मैं ये कह पेंटिंग रहा हूँ मजा पेंटिंग किस चीज से ज्यादा आता है, पेंटिंग पेंटिंग। अच्छा पेंटिंग, यूजी भाई ऑन क्योंकि पबजी, पेंट यूजी भाई ऑन पबजी या यूजी भाई ऑन टिकटॉक? टिकटॉक में उसको मजा आ रहा है देखने में, तो टिकटॉक बेस्ट है। टिकटॉक योर फेवरेट हंटिंग ग्राउंड आउटसाइड एशिया? माय फेवरेट हंटिंग ग्राउंड, हंटिंग ग्राउंड, हंटिंग ग्राउंड जहां आपको सबसे ज्यादा विकेट विकेट लेने में मजा आता है, खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है, कहां पे आता है? यस सिडनी, एसएससी पार्क, दुबई, दुबई ग्राउंड, साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह आए थे। दुबई, दुबई ग्राउंड, दुबई ग्राउंड। दुबई, दुबई, दुबई इंटरनेशनल। चीज हेलो, आप करेंगे एक्सपेक्ट, आफ्टर लॉन्ग हेलो भाई, ब्रेक हो रहा है आपका आवाज, ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। आफ्टर लॉकडाउन एक्सेप्ट क्रिकेट आप क्या करना चाहेंगे, वो पहली चीज क्या करेंगे आप आफ्टर लॉकडाउन? आफ्टर लॉकडाउन क्रिकेट के अलावा कौन सी चीज है एक्सेप्ट यार? क्रिकेट कुलदीप, या खाना हो सकता है, कहीं बाहर जाके घूमना हो, इसकी पेंटिंग भेजनी हो सकती है, बहुत सारे काम है। आफ्टर लॉकडाउन मैं रनिंग पे जाना चाहूंगा, रनिंग रनिंग रनिंग, मुझे मुझे लगता है कि रनिंग पे मैं जाना चाहूंगा, बाहर रनिंग, निकलने का मौका मिलेगा। ये सबसे बढ़िया आंसर है, डेफिनेटली ये रनिंग, रैपिड फायर का सबसे बढ़िया आंसर था। सबसे दूर भागने। कुलदीप भाई जाते जाते सिर्फ बात, कुलदीप भाई जाते जाते सिर्फ एक बात, ये मैं जानना चाह रहा था कि रोहित रोहित शर्मा के साथ मतलब ये कमराडरी इतनी बेस्ट कैसे है, मतलब युजवेंद्र चहल और आप लोगों का तो समझ में आता है, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, मैं तो रोहिता शर्मा भी नहीं कहूंगा, मैं रोहिता शर्मा भी नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, आप लोगों के बीच की बात हो रही है, ये मतलब ये कमराडरी क्या है, मतलब आप और युजवेंद्र चहल सबको बताए केमिस्ट्री है, रोहित शर्मा मतलब ये बॉन्ड कैसे बनता है, कुछ बताइए थोड़ा सा, मतलब अगर आप रोहित शेयर कर भाई, पाए तो अच्छी रोहित बात। भाई हमारे ग्रुप के लीडर है, तो पर हम लोग छोटे हो गए फिर, दो भाई, तो गाली जब खानी तो एक को थोड़ी खानी, दोनों को खानी है ना। तो बॉस जो बोलता है फिर उसके हिसाब से चलते हैं, और रोहित भाई के साथ हमारी अच्छी बनती है और ख्याल रखते हैं हमारा, वो भी बहुत मजा एंजॉय करते हैं, कंपनी मिलती है और पूरा टाइम देते हैं जब भी, अगर फैमिली नहीं होती, जब नहीं टूर पे रहती है फैमिली, और बहुत बहुत नेक बंदे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, छोटे भाई जैसा रखते हैं और समझाते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्रिकेट के, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेली है उन्होंने और इतना समझते हैं इंडियन क्रिकेट को, अच्छी तरह से उन्होंने देखा है, अच्छे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल के अभी हम लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो समझाते हैं उस टाइम को कैसे अपने आप को बनाना है और अच्छा है कैसे इम्प्रूव करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई सीनियर प्लेयर आपको इतना बैक करे या फिर आपसे बात करे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और छोटे भाई जैसा ही वो ट्रीट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी हमारी, बातें कल ही बात हुई आज थी उन्होंने शायद, इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाल रखी है शायद इसी बात की। हाँ, तो वो बहुत 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 क्लोज है हमारे और हालचाल वगैरह पूछते रहते हैं, कल जन्मदिन आ रहा है, तो मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज हैं, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारे रन बनाए अगले वर्ल्ड कप में, और सेंचुरी बनाए, बहुत सेंचुरी बनाए, बस अभी आईपीएल इतना जिता दिया है, एज ए वाइस कैप्टन अब आया वर्ल्ड कप जिता दे, तो बात ही अलग है, तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत मेरे सब बहुत बहुत हम्बल और बहुत नेक बंदे हैं रोहित भाई, और बहुत पसंद है हम सबको।
लोग बस जाते जाते लोग पूछ रहे नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी होने वाली है आपकी। नेक्स्ट पेंटिंग मुझे बहुत लोगों ने बोला है, सजेस्ट किया है कि आप पेंटिंग बनाओ, और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सबसे जो आपकी बेस्ट मेमोरी हो, जो फर्स्ट मेमोरी हो या फिर बेस्ट मेमोरी हो उसकी पेंटिंग बनाओ, पर मुझे अपने पे नहीं बनाना है। तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट पेंटिंग क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो देखते हैं कि एक दो दिन में, अभी थोड़ा फ्री हो जाओ एक दो दिन में, कल परसों या फिर स्टार्ट करूंगा तो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगा। अच्छा कुलदीप भाई, ये जर्सी पहचान पा रहे हैं आप? बिल्कुल 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 पहचान रहा हूँ, वो थोड़ा आई सा लाइक फ्रंट कैमरा की वजह से द उल्टा रिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और नंबर मुझे बहुत पसंद है 23। इसके पीछे कोई रीजन है? क्योंकि मैं आपको एक एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ जाते जाते। यशस्वी जायसवाल को भी बहुत फेवरेट है 23, और अभी मैं इंटरव्यू करने गया उनका गोरखपुर, तो मैंने पूछा भाई ये तो कुलदीप यादव को भी बहुत फेवरेट है, तो बोलते इस नंबर की बात ही कुछ और है। क्या है इस नंबर में? यशस्वी जायसवाल भी ये पहनते 23, मैं मेरे मेरे लिए एक ही आइडल रहे शेन वॉन, और मैं हमेशा चाहता था कि जब मैं क्रिकेट खेलूं या फिर जब मैं स्पिन बॉलिंग करूं ओहो, तो मैं समझ गया उनकी मैं तरह कहानी, समझ बॉलिंग करूं, तो मुझे लोग देखे कि यार इन पे झलक दिखती है, शेन वॉन की झलक है इस लड़के में या फिर बॉलिंग करता है, तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं उनकी तरह बॉलिंग करूं, उनकी तरह सब कुछ, अगर मैं आउट भी करूं तो मैं उनकी तरह फील करूं कि यार ऐसे आउट किया है। और जो उनका नंबर था 23, तो मैंने वो 23 नंबर, मैंने उनसे बात की थी, मैंने 23 नंबर लेने से पहले मैंने बात की थी, मैंने उनसे बात की थी और मैंने बोला था कि मैं नंबर ले रहा हूँ अच्छा 23। हाँ, तो मैंने ये भी बोला था कि आप परेशान मत हो ना, इस नंबर को मैं हमेशा अच्छे प्राउड फील कराऊंगा, तो मैं कभी इसको नीचे नहीं आने दूंगा। तो वो मुझे याद है, और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि उन्होंने बोला था तुम बिल्कुल करोगे, और जिस तरह तुम क्रिकेट खेल रहे हो, और मुझे कोई शक भी नहीं इस चीज पे। चलिए कुलदीप भाई, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह से मतलब आपने कमाल की पेंटिंग्स बनाई है। मैं हमेशा एक लाइन पढ़ता हूँ, और वो लाइन ये है कि इंसान होना जो है वो भाग्य की बात, लेकिन जो कलाकार होना होता है वो सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि आप कलाकार हैं। अब ये पेंटिंग देख के मुझे लगता है कि आप कलाकार हैं, तो कलाकार होना भी सिर्फ सौभाग्य की बात है। और वो भी अच्छी बात है, कलाकार के भी बहुत सारे वर्ड हैं, अपने उत्तर प्रदेश में कलाकार को अलग अलग टोन मिले जाते हैं, तो ये भी नहीं नहीं मैं आर्टिस्ट कह रहा हूँ आपको, बहुत मैं आपको पूरा आर्टिस्ट कह रहा हूँ। आर्टिस्ट मतलब पेंटिंग मैं आपको मैं एमएम आपको एमएम दिखाता हूँ, कैटेगरी में रख रहा हूँ। जो आप बोल रहे पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने शायद बिल्कुल, आप इस पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, मैं ओहो अच्छी बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल ये पेंटिंग, जी। बहुत बहुत अच्छी, इसमें काफी टाइम लगा और बहुत बहुत प्यारी बनी थी ये पेंटिंग। तो एक और पेंटिंग मैंने बनाई थी, वो मैंने पोस्ट नहीं की अभी तक। दिखाइए वो, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हमें कुछ दे दीजिए। आपने अपना नया लुक भी दे दिया एक्सक्लूसिव। हाँ ये कृष्ण भगवान की है ये, शानदार है तो कुलदीप भाई। अभी और जो आपने और इंस्टाग्राम पे जो मेरा वीडियो देखा ही है आपने, जो अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है जिस तरह की है उसके हिसाब से।